और अलवर के नारायणपुर में व्यापारी पर हमला करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने महापंचायत कर 5 दिन का समय दिया और कहा कि बाकी बदमाशों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। नारायणपुर में 24 अगस्त की देर शाम व्यापारी हंसराज गुर्जर पर जानलेवा हमला करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों ने व्यापारी की आंख में चाकू मारकर आंख बाहर निकाल दी थी, जिसको लेकर 25 अगस्त को बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों का रामलीला मंच पर धरना प्रदर्शन किया है। वहीं बांसूर डीएसपी सुनील जाखड़ ने बताया कि 24 अगस्त को किराना व्यापारी हंसराज गुर्जर पर लूटपाट की नियत से जानलेवा हमला किया गया था, जिसको लेकर पुलिस की टीम गठित कर आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो उसके चलते आज नारायणपुर में एक नवयुवक की आंख निकाल दी गई, बड़ा जघन्य अपराध था और सारा नारायणपुर एकजुट हुआ, सारा बाजार उन बाजार ने उनका साथ दिया और जिसका नतीजा ये निकला कि हम परसों 23 तारीख को जब हमने एसपी से बात की तो हमने कहा सब बड़ा आंदोलन होगा और घेराव भी होगा, कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। व्यापारी हंसराज अपनी दुकान बढ़ाकर घर जा रहा था, उस समय रास्ते में लूट के इरादों से मोटरसाइकिल सवार 3 जनों ने उस पर हमला किया और लूट करने का प्रयास किया, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और जो पीड़ित है उसके बताए हुलिया अनुसार जगह जगह दबिश दी और कुछ लोगों को डिटेन कर पूछताछ करी। बाद पूछताछ अनुसंधान के आरोपी महेश और मान सिंह, दोनों जो बावरिया जाति के हैं, ये इस लूट की वारदात में शामिल थे, जिनका आज पटाक्षेप हमने कर दिया। बापरदा गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसंधान जारी।